और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर के तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी से लेकर के छात्रों, किसानों, टैक्स पेयर्स और उद्योगपतियों को इस बजट से काफी उम्मीदें। बजट सत्र के पहले ही दिन सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार का बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में पेश करने पर केंद्रित होगा। तो तमाम चीजों को स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची हैं और यहां पर 11 बजे का समय जब बजट पेश किया जाएगा, ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके हाथ में वो बैग जिस पर सभी की निगाहें रहती हैं और इस बैग में ही बजट। हालांकि बजट में मिडिल क्लास को क्या तोहफा मिलेगा, महंगाई की मुसीबत से बजट में राहत मिलती हुई दिखाई देगी और ऐसे तमाम सवाल है जिन पर अब से कुछ ही देर बाद जरूर विराम लग जाएगा। किसानों के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद भी इस बजट में की जा रही है, यानी कि तमाम वर्गों को अपने लिए, अपने हित में ये बजट उनके रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर तमाम निगाहें जरूर बनी हुई हैं। लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री के द्वारा यह बजट पेश किया जाएगा। तो मोदी 3.0 का यह पहला बजट और इसके साथ ही तमाम उम्मीदें लोगों की। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत का जो आर्थिक प्रगति हुआ है, उस प्रगति और भी आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय निर्मला जी जो रख रहे हैं बजट, तो विश्व में आज भी अभी तेजी गति से जो बढ़ने वाले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है और हमारा ग्रोथ भी जो अच्छा है, उसके लिए पूरक जो होगा वैसा ही बजट रहेगा। और ये विश्व में जो हम तेजी से बढ़ रहे हैं आगे आगे भी बढ़ेगा। सर, एक चिंता इन्फ्लेशन को लेकर के। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब संसद भवन पहुंच गई हैं और ये संसद भवन से तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां एक शॉर्ट मीटिंग के बाद 11 बजे उनके द्वारा ये बजट पेश किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश जी, के बजट को लेकर के तमाम निगाहें यहां पर टिकी हुई है और कई ऐसे वर्ग हैं जिनको उम्मीदें हैं कि उनके लिए इसमें कुछ खास रहने वाला है। फिलहाल इसको लेकर के आपके पास क्या कुछ अपडेट? देखिए अंकुर, चूंकि जो पहली बजट थी जो कि नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन चूंकि सरकार को चुनाव में जाना था तो जाहिर है कि उस समय एक अंतरिम बजट पेश किया गया था। ये फुल टाइम बजट है और इसमें लोगों को बहुत उम्मीद है, खासतौर पर जो सर्विस क्लास हैं, चाहे वो गैर सरकारी हो सरकारी हो, उनको टैक्स स्लैब में छूट की यहाँ पर उम्मीद है। अब तक जो छूट मिल रहा है उसमें कम से कम जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो 50,000 रुपये का है, उसको लेकर लोगों को उम्मीद है कि इसमें थोड़ी बढ़ोतरी होगी और ये तकरीबन 1,00,000 रुपये के लगभग होगा। अगर आप ATC की बात करें जो कि एक बड़ा लोगों को रिलीफ मिलता है, 1,50,000 रुपये तक अब तक प्रोविजन है जिस ATC के तहत, चाहे बच्चों का ट्यूशन फी हो या छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट हो, उसको लेकर जो लोग हैं उनमें एक अपेक्षा है कि इस स्लैब को बढ़ाया जाएगा और 2,00,000 तक कम से कम होना चाहिए। तो ATC में के तहत अगर कोई थोड़ा भी उनको बेनिफिट मिलता है तो जाहिर है कि उनको टैक्स बचाने में थोड़ी सहूलियत होगी। इसके अलावा जो इनकम होते हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, जो शेयर होती है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें जो ATL है उसके तहत भी ये थोड़ा छूट की उम्मीद करते हैं। और साथ ही ATD जो कि मेडिकल क्लेम है, जो अब तक 25,000 का स्लैब है, ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनको कम से कम 50,000 का मिलेगा। अब कितना कुछ मिल पाता है वो तो बजट पेश होने के बाद पता चलेगा अंकुर, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में थोड़े बदलाव होंगे, कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो उनको उसमें बढ़ोतरी मिलेगी और जो नॉर्मल स्लैब्स हैं उसमें कितना कुछ रिलीफ मिलता है वो तो बजट के बाद सामने आएगा। इसके अलावा अगर महंगाई की बात करें, महंगाई बड़ी समस्या है, हाल के दिनों में महंगाई और इन्फ्लेशन काफी बढ़ा है, तो उस पर सरकार कितना अंकुश रखती है, उसको लेकर सरकार क्या क्या मेजर बनाती है, उसको लेकर भी लोगों की निगाहें होंगी। जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, अगर गृहिणियों की बात करें तो जो सब्सिडी है, सब्सिडी की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि गैस में उनको सब्सिडी मिलेगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किचन और उनका बजट देखती हैं। हाल के दिनों में जिस तरह से बढ़े हैं महंगाई, खासतौर पर जो थोक मूल्य है और जो खुदरा मूल्य है, उसको लेकर भी सरकार क्या कुछ लाती है, कितना नियंत्रण कर पाती है, उसको लेकर गृहिणियां और खास
रिएक्शन देंगे। सर ऑल्सो सर द नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए तमाम जो लीडर्स हैं वो संसद में पहुंच रहे हैं, और चाहे वो मंत्री निर्मला सीतारमण हो, वो वैसे कुछ देर पहले ही पहुंचे थे, और इसके बाद राजनाथ सिंह जो कि संसद पहुंच गए। और बजट जब पेश हो जाए तो उसके बाद ही ना अपनी रिएक्शन देंगे। सर ऑल्सो सर द नेवल शिप के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डिफेंस सेक्टर को लेकर कोशिश जरूर यहां पर मीडिया कर्मियों की बातचीत में डिफेंस सेक्टर को लेकर के बात की जा सके, क्योंकि राजनाथ भी देखिए संसद भवन पहुंच गए, और ऐसे में तमाम लीडर्स एक एक कर संसद पहुंच रहे, और 11 बजे का वो समय जब ये बजट पेश किया जाएगा। हालांकि महंगाई को लेकर के तमाम लोगों की निगाहें या कहें देशवासियों की निगाहें जरूर इस पर टिकी हुई है कि क्या फिलहाल उन्हें महंगाई को लेकर कोई राहत मिल पाएगी। अगर किसानों की बात की जाए तो वो भी काफी आस के साथ सरकार की ओर देख रहे हैं, और हमारे साथ लगातार राजेश तुमर हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, नेताओं के संसद पहुंचने का सिलसिला एक और जारी है। वहीं अगर हम खास वर्ग की बात करें, आपने महंगाई की बात करी, साथ ही साथ टैक्स की अगर बात करी, किसानों को लेकर के भी क्या कुछ खास उम्मीदें जताई जा रही हैं? और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं देखिए समस्याओं की, तो विपक्ष के तौर पर ताकि हमारी आवाज को बुलंद कर सके विपक्ष की ओर भी हम देखते हैं, ऐसे में विपक्ष नेताओं को क्या कुछ कहना और उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं इस सरकार से और इस बजट से? देखिए अंकुर, अगर आप बजट की बात करें तो मोदी की सरकार की ये जो तीसरी मतलब टर्म है, उस तीसरे टर्म में इनके ये पहले बजट है। यहाँ पर लोगों को अब ये उम्मीद है कि सरकार से उनको कितना कुछ रिलीफ मिलता है, और खासतौर पर जो किसान है, जो युवा हैं, युवाओं को रोजगार की तलाश है, और सरकार से ये उम्मीद रखेंगे कि हर वर्ष लाखों की संख्या में वैकेंसीज निकले ताकि उनको रोजगार मिले। तो युवाओं की बहुत पुरानी मांग रही है और अपेक्षा भी रही है। हालांकि इस दिशा में सरकार मोदी सरकार तरफ से लगातार काम करता किया जाता रहा है, और इस बार भी लोगों को लग रहा है कि सरकार चूंकि एक फुल टर्म सरकार बनी है और ये आगे 5 साल के लिए सरकार बनी है, तो युवाओं के लिए एक तरह से समेकित योजना बनेगी सरकार की तरफ से, और उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसानों को भी सरकार से बहुत उम्मीद है कि जो किसान खासतौर पर जो ऋण उठाते हैं वो ऋण कितना फ्लेक्सिबल होता है, लोन कितना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि अगर आप अलग अलग परिक्षेत्रों को देखें, क्षेत्र को देखें, तो कई जगह ऐसे क्षेत्र हैं अंकुर जहां पर किसानों को चाहे प्रकृति की वजह से, चाहे वो बारिश की वजह से या फिर सूखा की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ता है, उसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ उनको रिलीफ दिया जाता है, जो ऋण उन्होंने अब तक प्राप्त किए हैं उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कोई योजना है, तो किसान भी बड़ी ही उम्मीद के साथ इस बजट को देख रहे हैं। और जो युवा हैं खासतौर पर, उनको इस सरकार से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि सरकार बनी है और मोदी जी इस टर्म में क्या कुछ करते हैं उसको लेकर बहुत ही जिज्ञासा है। महंगाई एक बड़ी समस्या, अगर पिछले 2-3 सालों में देखें तो महंगाई दर काफी बढ़ा है, हालांकि इन्फ्लेशन के दावे जरूर किए जाते रहे, लेकिन अगर महंगाई दर को देखें तो लोग कम से कम उसमें निजात चाहते हैं। कुल मिलाकर मोदी के इस बजट से लोगों को भारी उम्मीद है, और लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जो ये बजट होगा वो आम जनता के लिए और देश के हित के लिए, और अब जो अलग अलग इसके कारक हैं अगर उसको आप देखें तो चाहे वो FDI हो, चाहे टैक्स स्लैब का मामला हो, रोजगार का हो, महंगाई हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनसाधारण के मुद्दे हैं, इसको लेकर आज वो टकटकी लगाकर मोदी के इस बजट भाषण को पढ़ेंगे सुनेंगे।